भारतीय नौसेना जहाज INS शारदा चल रही परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 17 से 23 नवंबर तक पोर्ट एटरसीना मेडागास्कर की यात्रा पर है। जहाज की यात्रा का उद्देश्य दोस्ती के फूलों को मजबूत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा का विकास SNGR के दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ साझेदारी करके क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय नौसेना का एकाधिकार विज्ञापन। आगमन पर INS शारदा के कमांडिंग ऑफिसर ने मेडागास्कर के डायना क्षेत्र के गवर्नर एरोना डायोडा मैरिस्की और अंतिम साना ने मालागास्की नौसेना बेस के कमांडर कैप्टन रावत रास को दीबी रानी वो के गर्लसेन में मुलाकात की। विज्ञापित के अनुसार यात्रा के दौरान जहाज नौसेना के साथ विभिन्न पेशेवर बातचीत और प्रशिक्षण आदान प्रदान में भाग लेगा। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतिहास द्वीपीय बैठक के हिस्से के रूप में अपने मेडागास्कर के समक्ष येवेट सिला से मुलाकात की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने मेडागास्कर के विदेशी यात्रा की। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। हवाई हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने के बाद इजराइल ने आपस में हमले और को व्यापक बनाने के लिए तैयार कर ली है। हवाई हमलों में दो स्कूलों में शरण ली हुई नागरिक सहित दर्जनों फलिस्तीन के मारे जाने के बाद इजराइल ने रविवार को दक्षिणी गाजा में हमसा आतंकवादियों के खिलाफ अपने हमले का विस्तार करने की तैयारी की। सप्ताह की शुरुआत में पर्चे गिरने के बाद इजराइल ने शनिवार को फिर से दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में नागरिकों का स्थानांतरित होने की चेतावनी दी, क्योंकि वह उत्तर अपने अधीन करने के बड़े छोटे तटीय क्षेत्र के उस हिस्से पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। फिलिस्तीन शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र सहायता संगठन UNRWA के कमिश्नर जनरल इलिफी लाजरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इसराइल ने उत्तर में दो एजेंसी स्कूलों पर बमबारी की। उन्होंने कहा उनमें से एक में 4,000 से अधिक नागरिकों को आश्रय दिया गया था। उन्होंने कहा बच्चों समेत दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर दूसरी बार 24 घंटे से भी कम समय में स्कूलों के नहीं बख्श जाता, बस ये भाईवत रुकनी चाहिए। गाजा के हमसा अधिकारियों में एक प्रवक्ता ने कहा कि स्कूल में 200 लोग मारे गए या घायल हुए। इसराइल की सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की। फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्सा, जिनकी सरकार इसराइल के कब्जे वाले बेस्ट है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारतीय वायुसेना ने LC मार्क लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी जैमर पॉड विकसित करेगी। भारतीय वायुसेना घरेलू LC मार्क ए लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी जैमर पॉड विकसित करने के लिए परियोजना पर काम कर रही है, IAF अधिकारियों ने शनिवार को कहा। अधिकारियों ने IAF के बेस रिपेयर डिपो को अपने लड़ाकू और परिवहन विमानों और अन्य हथियारों प्रणालियों के लिए आवश्यक के कोई उपकरणों को स्वदेशी बनाने और आयात कटौती करने का काम सौंपा गया। इस बोस सोलर इकोनॉमिक एक्सप्लोरर लिमिटेड के उपलक्ष कर्नल विक्रम ने कहा कि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड पहला उत्पाद है जिसमें अर्डिनियस फैक्ट्री के अलावा किसी निजी उद्योग ने स्वदेशी रूप से निर्मित की और भारतीय सेना को सौंपा। हमने पहले ही 10 लाख की मात्रा का निर्माण कर लिया और उसे इस सफलतापूर्वक भारतीय सेना को सौंप दिया। यह एक हैंड ग्रेनेड का एक बहुत ही सुरक्षित प्रोटोटाइप और उन्नत प्रोटोटाइप है। इसमें सुरक्षा सुविधा भी जुड़ी गई है और इसकी प्रभावधिकार पहले की तुलना में बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा भारतीय सेना ने इसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और हम जल्दी ही अगले ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं।